इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से, ट्रक और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत। डीसीएम चालक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। डीसीएम में बच्चों सहित बैठी थी महिलाएं, दो महिलाएं व दो मासूम बच्चे हुए घायल। एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया सीएचसी बचरावा। सभी की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। बचरावा थाना क्षेत्र के इचौली की घटना। ये खबर रायबरेली से भारत टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां ट्रक और डीसीएम आपस में भिड़ गए, जोरदार भिड़ंत हुई। डीसीएम चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डीसीएम में बच्चों सहित महिलाएं बैठी थी, दो महिलाएं और दो मासूम बच्चे इस घटना में घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बशरावा उन्हें पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें, बशरावा थाना क्षेत्र के इचौली की पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से सर्वेश यादव की रिपोर्ट। अभी क्या घटना हुई है, क्या जानकारी? अभी चार मरीज हमारे पास आए हैं, जिसमें से दो महिलाएं, एक छोटा बच्चा और एक व्यक्ति मृत आया है यहाँ पे। अभी जो इचौली के पास एक डीसीएम और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि डीसीएम में या ट्रक में जिसमें भी लोग बैठे थे उसमें से इंजर्ड इंजर्ड हो गए हमारे पास आए हैं। जो व्यक्ति मृत है उसका नाम सुरेश है, और जो दो महिलाएँ आई हैं, गुंजन नाम है, पूजा नाम है, इन दोनों का हमने फर्स्ट एड कर दिया है। इनको छोटी छोटी मोटी चोट थी, हमने ठीक कर दिया, मतलब उनका उपचार कर दिया है, और जो मृत है उसको घोषित करके उसकी पीआई हमने थाने में भेज दी है। सर, बच्चों क्या है, जो बच्चे भी साथ में थे? बच्चे को सर में हल्की सी खरोच है, उसको कोई चोट नहीं आई है, और एक ही बच्चा हमारे पास आया था, तो दो महिलाएं एक मृत व्यक्ति।